जो जन्नत में पहुंचा वो कामयाब, जो जहन्नम में पहुंचा वो नाकाम। बड़े जमाने बाद हदीस याद आई, जब नेकियां तोली जाएंगी और अगर वो बढ़ गई तो ऐलान होगा इन फलान इब्न फलान قد ثقلت موازينه وسيد سعادة لا يشكى بعدها ابدا। लोगो फलां फलां का बेटा या फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां बढ़ गई हैं और वो कामयाब हो गया है, अब कभी नाकाम ना होगा। इस ऐलान के होते ही मेरा अल्लाह कहेगा जन्नत के जोड़े पेश किए जाएं, जन्नत का ताज सर पे सजाया जाए, चेहरे को नूर से मेकअप किया जाए, हाथों में कंगन पहनाए जाएं, 5 फुट को 130 फुट में बदल दिया जाए, 6 फुट 6.25 फुट 5 फुट 4.5 5.5 130 फुट हाइट दी जाए। जन्नत की हाइट है 130 फुट। 100 जोड़े सर पे ताज, हाथों में कंगन, कहेगा जा बता, जा सारे मैशर वालों को बता। وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, ये यूं मुड़ेगा और जैसे इसकी नजर पड़ेगी पीछे ऐसे नूर चमकता चला जाएगा, जैसे अंधेरे में हेडलाइट्स चमकती चली जाती हैं, चमकाती चली जाती हैं। कहेगा हा उमकरो किताबिया, आओ मेरा पेपर देखो, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गई। अरे कैसे? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं तैयारी करता रहा, मैं करती रही, अल्लाह का जवाब आएगा। फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतुफुहा दानिया कुलू वशरबू हनिया बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे बंदी को पाक कामयाब खूबसूरत जिंदगी मुबारक। आइडियल होम अब आया है, अब आया है, दुनिया आइडियल होम नहीं है, अब आया है आइडियल होम। आपको पाक जिंदगी खूबसूरत जिंदगी मुबारक। कहाँ? फी जन्नत आलिया, वो ऊंची जन्नत, आली शान जन्नत, जिसमें एक ईंट मोती की, एक यकूत की, एक जमुर्रद की, एक सोने की, एक चांदी की, बीच में सीमेंट मुश्क घास ज़ाफ़रान, और ऊपर देखो इन्होंने कैसी बड़ी छत बनाई हुई, ऊपर छत अर्श रहमान, अल्लाह का अर्श छत बनेगा। अगर मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने अर्श हसीन तरीन मखलूक बनाई, हसीन तरीन मखलूक है अल्लाह का अर्श। और ईमान वाली बीवियां मर्दों से पहले जन्नत में पहुंचेंगी, मर्दों से पहले पहुंचे। दर्जे तो हर एक के अलग अलग हैं, पहले पहुंचने में दर्जे की बुलंदी नहीं, पहले पहुंचने में है कि जन्नत का हुसन लेकर अपने खामदों का इस्तकबाल कर। ये जन्नत के हुसन के साथ पहले खड़ी होंगी, ये पीछे पहुंचेंगी, इसको गले लगाए पे कहेगी अंत हिब्बी व अन हिब्बुक, तू मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा। दुनिया में 4 कमियां थीं, लड़ाई होती थी, बुढ़ापा आता था, साथ छूटता था, मौत आती थी। तो इन 4ों का जवाब दे रही, अना रादिया फला असखत अबदा, अब मैं राजी हूँ, अब मेरी आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी। अना नाइमा फला अब अस अबदा, दुनिया में मैं बूढ़ी हो गई थी, अब मुझे हमेशा जवानी मिल गई, अब मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। अनल मुकीमा फला अरहल अबदा, मैं अब हमेशा आपके पास हूँ, कभी आपको छोड़ के नहीं कहूँगी मैं जा रही हूँ, मुझे पेपर, मैं पेपर भेज रही हूँ, मैं कोर्ट में जा रही हूँ, बस हमेशा तेरे पास हूँ। अनल खालिदा फला अमूत अबदा, अब मौत मर गई, अब हमेशा तेरा मेरा साथ है। उनको लेकर आएगी बेगम, आगे खुद्दाम गिलमान हूर कसूर दोनों आएंगे। ओए अल्फाज कहां से लो, कारपेट बिछल में तख्तों पर बिठाया जाएगा, सोने चांदी से बने हुए हीरे जवाहरात जड़े हुए, ऊपर कालीन बिछे हुए। अजब आयत है, अचानक याद आ गई, बता इनहा मिन इस्तबरक, अल्लाह ताला कह रहा वो जो मैंने कालीन बिछाए हैं ना उसके ऊपर जो कुछ नक्शो निगार है वो छोड़ो,
उसके नीचे। हम जब किसी चीज़ को डिज़ाइन देते हैं तो ऊपर देते हैं, नीचे तो नहीं होते। और कुर्ते पर कढ़ाई ऊपर होती है ताकि नज़र आए, नीचे तो नहीं होती। कोई बनियान पे कढ़ाई करता है कि पीछे बटन खोल के विखावे इधर विखोए विखो, वो तो मुश्किल हो जाए। कोई बगल में कढ़ाई करता है आइए वेखे जरा इधर आइए वेखे, यहाँ होती है साहब नजर आए। वाह मेरे रब, मेरा रब फरमा रहा है कि वो जो मैंने उसके ऊपर बनाया है ना, वो तुम समझ नहीं सकते। वो कालीन ऐसे ज़मीन पर पड़े हुए हैं, तो ज़मीन के जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो उठा के देखें ये तो नज़र आएगा ना। वो अगर फ्लैट भी हो तो क्या मसला है, फ्लैट ही होता है, जो कुछ होता है ऊपर डिज़ाइन होता है। पर मेरे रब ने कहा ऊपर वाला तो मैं बताता नहीं, जब तुम उसे उठा के देखोगे तो तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हसीन डिज़ाइन मैंने नीचे बनाए हैं कि तुम्हारी आंखें बर्दाश्त ना कर सकें, तो ऊपर का डिज़ाइन कैसा होगा जिस पर तुम्हें बिठाऊँगा, गौ तकिए लगाऊँगा, आगे सुराहियाँ होंगी, उनमें माइन की शराब होगी। क्या दुनिया की शराब पीते हो, मुंह में बदबू, पेशाब अंदर निकल रहा है, इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहा है। कहा ठहर तो सही, माइन की शराब तैयार है, और एक शराब का नाम है रहीक। रहीक जो सिर्फ VIPs के लिए है, जन्नतुल फिरदौस। जो बाकी जन्नती हैं उसमें थोड़ा कतरा डाला जाएगा, जैसे हम जमजम नहीं लाते तो दो चार कतरे पानी में डाल के दे देते हैं, तो मेरा रब रहीक की शराब सारे जन्नतियों को ऐसे टप दो चार कतरे डाल के देगा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं रहीक नहीं, सॉरी तस्नीम, युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूमिन खितामुहु मिस्क व मिजाजुहु मिन तस्नीम عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ। रहीक की शराब तो आम है, तस्नीम, तस्नीम जन्नतुल फिरदौस, सूरह मुतफ़फ़िफ़ीन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की शराब है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस वाले पियेंगे। नीचे वालों को दो दो चार चार कतरे डाल के पिलाए जाएंगे, और ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी, और पिलाने वाला अल्लाह खुद होगा। وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا। आ ये तेरा रब तुम्हें पिलाता है, उससे नीचे يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, जन्नत की लड़कियां पिलाएंगी, नौकर पिलाएंगे। उससे नीचे يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا, खुद डाल के पियेंगे, खुद डाल के पियेंगे। पिलाने वाले सबके खुद्दाम और नौकर हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो बता रहा है कि बताने में दर्जे के दर्जे बंदी हो रही, खुद पी रहे हैं उनको भी नौकर पिलाएंगे, पिलाया जा रहा है इनको भी नौकर पिलाएंगे। अल्लाह पिलाएगा अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, उसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद पिलाऊंगा, बिठाएगा नीचे नजर पड़ेगी दूध शहद शराब की नहरें, ऊपर नजर पड़ेगी दरख्तों के साए फैले हुए, अल्लाह का अर्श चमकता हुआ सामने नजर पड़ेगी, तो परिंदे उड़ते हुए, दाएं बाएं देखेंगे तो नौकर खड़े हुए, आगे पीछे देखेंगे तो चश्मे उबलते हुए, फल पके हुए, साए फैले हुए, खोशे लटके हुए, कालीन बिछे हुए, सुराहियां धरी हुई, जाम भरे हुए, मजे में लगे हुए, खलो वश्रबो, जाओ ना नमाज ना रोजा ना हज ना जकात, मौज करो मजे करो मेला करो कि तुमने दुनिया में राजी किया, आज तुम्हें तुम्हारा रब राजी करेगा। फरिश्ते नौकर आएंगे, सलामन सलाम सलामन सलाम, बड़े खुश होंगे नौकर सलाम कर रहे हैं। फिर फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, फरिश्तों के सलाम पर वो हिल जाएंगे, आप हमें कैसे सलाम कर रहे हो, आप तो फरिश्ते। वो कहेंगे बिमा सबर तुम, जो लंदन में आपने सबर किया उसका सिला है कि हमें हुक्म हुआ है कि आपको सलाम करें। वल मलाइकत यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फनीम उकबद्दार, फरिश्तों के सलाम का नशा। जुल्फकार अली भट्टू मरूम था, तो वो हमारे इलाके के एक जमींदार उसको मिलकर आया,
पता नहीं कहाँ से बातें याद आ जाती, तो जब वापस आए ना तो उससे बात करे तो मुँह इंज कर लगे वाके जो जी तुम क्यों है कि इसे मुँह नाल फुटो नाल गल की थी इसे नाल तोड़े नाल गल कर वो एक नशा होगा। भुट्टो भी हमारे एक थोड़ी सी हुकूमत मिली तो उसने उसको अपना अपनी इज्जत महसूस की। जब फरिश्ते आकर सलाम करेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे, फरिश्ते सलाम कर रहे हैं हमें, एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, हाय हाय हाय, अभी ये हैरानी लज्जत बाकी होगी। अये एकदम मेरे रब का अर्श यूं खोलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम, मेरे बंदे और बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। ये है इज्जत, ये है धन दौलत, ये है शोहरत, ये है कामयाबी, ये है बुलंदी, बाकी सब पस्ती है। फिर अल्लाह अल्लाह मेरे बंदो खुश हो राजी हो, है मेरे हबीब ने फरमाया अल्लाह हर एक का नाम लेकर, हर ईमान वाले मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा क्या हाल है, आप ठीक, खुश, कोई तकलीफ, कोई मसला तो नहीं। आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, अहले ईमान हो, 18 बरस बीमार रहे, दर्दों ने डेरे डाल दिए, कीड़े पड़ गए, ये गलत बात है, नबी ऐसा नहीं होता अल्लाह उसको कीड़े डाल दे, बीमारी थी बहुत ज्यादा, 18 साल के बाद ठीक हुए। एक दिन किसी ने पूछा हजरत बीमारी के दिन याद आते हैं, फरमाया आज के दिनों से ज्यादा मजे के थे। कहें वो कैसे, का जब बीमार था रोजाना अल्लाह एक दफा पूछता अय्यूब क्या हाल है, उस आवाज में जो लज्जत थी अब वो खत्म हो गई है। और वो क्या वक्त होगा जब अर्श के दरवाजे खुल चुके होंगे और अल्लाह सामने होगा और तुम बीमार नहीं होगे, मौत ना होगी, दुख दर्द दुखड़े ना होंगे और तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा नाम लेकर कहेगा क्या हाल है, कोई खिदमत कोई जरूरत। कहेंगे या अल्लाह बड़े राजी हैं, तो फिर अल्लाह फरमाएगा तो अब तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दूं। कहेंगे या अल्लाह जन्नत से आला क्या है, तो अल्लाह फरमाएंगे जाओ मैं राजी हो गया, कभी नाराज ना होगा। मंजिल मिली। वो मंजिल क्या मंजिल है, जो मिल के छिन जाए, वो इज्जत क्या इज्जत है, वो दौलत क्या दौलत है, वो शोहरत क्या शोहरत है, जिसे मौत मिटा दे, कब्र गला दे, हवा उड़ा दे, तारीख भुला दे, जिनके नाम की गूंज थी दुनिया में आज उनको जानने वाला कोई नहीं है। ये कामयाबी है, ये मेरे नबी ने बताई है, ये मेरे अल्लाह ने आज मैं राजी हो गया, जाओ कभी नाराज ना होगा। अब ये सारे कहेंगे या अल्लाह हमें तो लंदन में पता नहीं था आप ऐसे जमाल वाले हसीन जमील, या अल्लाह हमें इजाजत दो दे, हम एक सजदा करना चाहते, एक सजदा तुम्हें बगैर देखे करते थे लेकिन मजा नहीं आया, आज देखने के बाद पता चला सजदा करें। मेरा अल्लाह कहेगा कद वदअतु अनकुम मऊनतस सुजूद, जाओ जाओ सजदे माफ कर दिए। लंदन में थे, वेस्ट हैम में थे, ईस्ट हैम में थे, वो वहां थे, यहां नहीं, वहां तुम गुलाम थे, मैं मालिक था, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। बाओ बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करना है, जाओ मौज मेला करो। कहेंगे या अल्लाह तुझे देखते रहे और कुछ नहीं चाहिए, कह नहीं, जुमे जुमे आ जाना, बातें होंगी, दीदार भी होगा, बात भी होगी, कलाम भी होगे, मजे भी होंगे, हर जुमे में तुम्हारा रब तुम्हारे दीदार को आऊंगा। लेकिन जो जन्नतुल फिरदौस वाले हैं
उन्हें जुमे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अल्लाह सुबह भी दीदार कराएगा, शाम भी दीदार कराएगा। और मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर को, माँ ने क्या हीरा जना, क्या लाल जना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह लोगों को दीदार आम कराएगा और अबू बकर को दीदार खास कराएगा। इन अल्लाह यतजल्ला लिन्नास अम्मतन वले अबी बकर खासतन, सारी दुनिया को दीदार आम होगा जन्नत में और सिद्दीक को दीदार खास होगा। यार भी खास था, दीदार भी खास होगा। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया है, अबू बकर का अदा नहीं कर सका, इसका हक मेरा अल्लाह ही अदा करेगा। जुमरात का दिन है, आप बीमार चल रहे हैं, इशा की नमाज के लिए उठना चाहा, गश आ गया, बेहोशी हो गई, फिर उठे, इशा हो गई, कहा जी इंतजार है, उठने लगे फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, कहा जी इंतजार है, उठने लगे फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, कहा जी इंतजार है, कहा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अबू बकर पिछली सफ में थे, उमर पहली सफ में थे, तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ानी, उन्होंने उमर को आगे कर दिया। उमर ने किया अल्लाहु अकबर, हाय हाय, मेरे नबी बीमारी में पुकारे, उमर को पीछे किया जाए, अबू बकर को आगे किया जाए, मेरे अल्लाह का फरमान है मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब अल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकर, क्या माओ ने लाल जने, क्या नसीब है नबी के साथ खड़े हुए। एक दफा आप मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में तो आपके इधर अबू बकर थे, इधर उमर थे, सामने सहाबा थे, तो आपने दोनों के हाथ पकड़ लिए, यूं हाथ पकड़ लिए, कहा मुझे देखो, हाकदा नुशरु यौमल कियामा, क़यामत के दिन हम तीनों यूं उठेंगे, इधर अबू बकर और इधर उमर। कहा मेरे बंदो वो दुनिया थी, तुम गुलाम थे, बंदे थे, मैं आका, अब तुम मैं मेहमान, मैं मेजबान, अब मैं पूरे लंदन इंग्लैंड में फिरा हूं, तो मैंने तो कहीं एक पैनी की रोटी भी नहीं खाई कि मैं मेहमान तुम, तो इंसान मेजबान बन जाए तो अपना सब कुछ पेश कर देता है, तो अल्लाह है अल्लाह, जाओ मजे करो, जुमे जुमे आया करो, तुम्हारे मजे कराए जाएंगे, अल्लाह के दस्तरखान पे बिठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, सुनाया जाएगा। थोड़ी देर गाना सुनना छोड़ दो, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, मेरा अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ जो लंदन में गाने नहीं सुनते थे, उन्हें आज जन्नत का गीत सुनाओ। जन्नत की लड़कियां जो सुर लगाएंगी ना, मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि मैं जो हम जो गाना तैयार करते हैं 3.5 मिनट का होता है, 3.5, मैं कहा 4 भी पूरे नहीं, मैं क्यों, अखे लोग बोर हो जाते हैं, फुटे मुंह, मैं कहा मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा, जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़, 70 साल का एक गाना होगा। यूं बैठे सुनते रहे, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। जन्नत की हूर गाने वाली हो, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली का इतना फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा, सास समंदर में थूक डाले समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं, मुर्दों से बात करे जिंदा हो जाएं, जिंदों को चेहरा दिखा दे कलेजे फट जाएं, दुपट्टा हवा में लहरा दे कायनात रोशन हो जाए, एक कदम खामिंद की तरफ से चल के आए 1,00,000 नाजो अंदाज दिखाए, मुस्कुराए तो दांतों से निकलवा नूर सारी जन्नत को रोशन कर दे। हाँ हाँ, ईमान वाली औरतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईमान वाली औरत इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और अजीब सुनो, एक काला है, या रसूलल्लाह मैं तो बिल्कुल काला स्याह, मैं जन्नत में जा सकता हूं, का क्यों डरते हो, तू आ तो सही जन्नत में, पर जो मैं कहूं वो करना होगा। तो जो मुसलमान मर्द औरत दुनिया में काला है, अल्लाह उसको जन्नत में ऐसी खूबसूरती देगा
کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے، کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہوں کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ پوری جنت، پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا، اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی؟ کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہا میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا؟ کہاں منہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنائے۔ لم یبق الا ارحم الراحمین، اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟